गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज लेसन नंबर टू एडिशन एंड द टॉपिक इज सम्स विद रीग्रुपिंग एडेंट्स मीन्स ट्वेंटी फोर प्लस थर्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी एट दीज आर द फर्स्ट एग्जाम्पल इज सॉल्व ट्वेंटी फोर प्लस थर्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी एट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन ओ फॉर वंस एंड टी फॉर टेंस तो राइट डाउन वंस एंड टेंस तो सबसे पहले हमें दो एडेंट्स लेने हैं कोई भी हम दो एडेंट्स ले सकते हैं ट्वेंटी फोर प्लस थर्टी सिक्स ट्वेंटी फोर और थर्टी सिक्स को हमने प्लस करा वंस स्टार्ट हम करते हैं एट द वंस फर्स्ट पहले हम वंस प्लेस को ऐड करते हैं तो सिक्स प्लस फोर इज इज इक्वल टू टेन टेन तो हम जीरो को वंस प्लेस पे रखेंगे और कैरी टेंस प्लेस पर फिर थ्री प्लस टू प्लस थ्री इज़ फाइव एंड कैरी ऐड करेंगे सिक्स तो हमारा यहाँ पर ऐड करके टू एडेंट्स को ऐड करके यहाँ पर सिक्सटी आया फिर हम इसको रीग्रुपिंग करेंगे रीग्रुपिंग करा हमने यहाँ पर फिर से वन्स और टेंस लिखा जो आंसर आया उसमें हमने ट्वेंटी एट को प्लस किया ट्वेंटी एट तो जीरो प्लस एट इज़ एट सिक्स प्लस टू इज एट सो द फाइनल आंसर और द सम सम मीन्स फाइनल आंसर और टोटल इज़ एट्टी एट अब हम इसको नेक्स्ट मेथड से करेंगे शॉर्टकट मेथड शॉर्टकट मेथड में हमें क्या करना है ये तीनों एडेंट्स को हमें एक साथ ही ऐड करना है जोड़ना है ट्वेंटी फोर प्लस थर्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी एट हमें इनको रीग्रुपिंग नहीं करनी है ग्रुप्स नहीं बनाने जैसे हमने यहाँ ग्रुप्स बनाए थे शॉर्टकट शॉर्टकट मेथड में हमें क्या करना है ट्वेंटी फोर प्लस थर्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी एट तीनों एडेंट्स को हमें एक साथ जोड़ना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही आप वंस और टेंस लिखेंगे फिर उसके पास ट्वेंटी फोर प्लस थर्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी एट तो ऐड द वंस फर्स्ट वंस को हम ऐड करेंगे फोर प्लस सिक्स प्लस एट इज इक्वल टू एटीन इन तीनों को ऐड करके वंस प्लेस को आपका आंसर आया एटीन तो राइट एट इन द वंस कॉलम राइट को आप एट uh, को आप वंस कॉलम में लिखेंगे एंड टेक वन इन टू द टेंस कॉलम और वन को हमें जो कैरी है उसको हम टेन कॉलम में एज अ कैरी ओवर डिजिट यहाँ पर उसको रखेंगे देन ऐड द टेंस कॉलम फिर उसके बाद हम टेंस कॉलम को ऐड करेंगे टू प्लस थ्री प्लस टू कितना हुआ थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड वन कैरी सो एटी एट सो राइट एट इन द टेंस कॉलम टेंस कॉलम में आप एट लिखेंगे द सम इज एटी एट सम मीन्स टोटल टोटल आपका आंसर क्या आया एट्टी एट तो देखिए यहाँ पे भी आपका आंसर एट्टी एट आया और यहाँ पे भी आपका जो सम है जो आंसर है सम इज़ टोटल एंड आंसर इज 88 दोनों जगह हमारा आंसर 88 आया है हमने इसको रीग्रुपिंग करके किया था पहले हमने दो एडेंट्स को ऐड किया उसके बाद जो आंसर आया उसमें हमने थर्ड एडेंट को ऐड किया तो फाइनल आंसर हमारा 88 आया यहाँ पर हमने तीनों को एक साथ जोड़ा है तीनों को एक साथ ऐड करा है तब भी हमारा आंसर जो सम है वो एट्टी आया तो आप इसको रीग्रुपिंग मेथड से भी कर सकते हैं और शॉर्टकट मेथड से भी ऐड कर सकते हैं द आंसर विल बी Same. So, student, the chapter is, com uh, the topic is completed. Go through and revise it. I will provide a worksheet of this topic.